एनआईओएस ने डाउनलोड लिंक को जारी किए हैं। क्या है डाउनलोड लिंक, किस प्रकार से हम लोग डाउनलोड करेंगे, पूरा का पूरा जो है डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाले हैं। बशर्ते आप वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर से ज़रूर देखें, क्योंकि यह जो है बहुत ही खास है आप सभी के लिए, और आने वाले दिन में इसी के ऊपर आप सभी को पढ़ना होंगे, यानी कि आप सभी का कोर्स को कंप्लीट करने होंगे। तो क्या है ये लिंक, इस चीज़ को जानने के लिए अंतिम तक जरूर देखें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर एनआईएस से जो डीएलएड कर रहे हैं उन शिक्षकों के लिए बुक जो है किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड का लिंक कहाँ से आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, पूरा का पूरा जो है डिटेल्स में बताएंगे। तो यहाँ पर जो है एनआईएस डीएलएड ने जारी किया डाउनलोड लिंक, ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी आप सभी शिक्षकों के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, तो वो जो है आप सभी को एनआईएस के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर ही मैनुअल आपको डाउनलोड करने होंगे। तो किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे आज हम इसी टॉपिक्स में बताने वाले। तो इसके लिए आप सभी को हमारे साथ चलने होंगे एनआईएस का ऑफिशियल वेबसाइट, फिर वहां पर जाकर हम लोग जो है पूरा का पूरा डिटेल्स में बताएंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप करके कि कहां पर किस किस माध्यम से आप कहां कहां पर जाएंगे, पूरा का पूरा डिटेल्स यहां पर बताने वाले। तो वीडियो को अंतिम तक देखना ना भूलें। क्या आप देख रहे हैं, सबसे पहले जो है nis.ac.in के हम लोग वेबसाइट पर यहाँ पर आने होंगे। जैसे इस वेबसाइट का URL आप डालते हैं, वैसे आपका मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, तो उसका जो स्क्रीन आपको इस प्रकार से दिखेंगे जैसे आप हमारे स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद नीचे थोड़ी सी स्क्रॉल को डाउन करने, फिर नीचे आने, फिर नीचे आने, फिर नीचे आने, उसके बाद यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, वीडियो गैलरी NSDLED अनट्रेन टीचर्स, एग्जाम रिजल्ट, तरह तरह का यहाँ पर ऑप्शन आएंगे। बट हम लोग को जो है ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स जो है कोर्स मटेरियल्स यहाँ पर जाने हैं, तो यहाँ पर जैसे आपको क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको रिडायरेक्ट करेंगे ऑनलाइन कोर्स मटेरियल्स के बारे में। उसके बाद यहाँ पर जो हर एक एग्जामिनेशन के लिए, यानी हर एक कोर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट, पहले सेकेंडरी कोर्स, फिर सीनियर सेकेंडरी, फिर वोकेशनल कोर्स, ओपन बेसिक एजुकेशन, तो आप सभी को इस ऑप्शंस पर आने हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको DELED कहते हैं, इस ऑप्शंस पर जैसे आप क्लिक करते हैं वैसे यहाँ पर जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में जो है वो अपना जो है कुछ थोड़ी से जो है अपना डिफिनेशन बताएंगे। डिफिनेशन बताने के बाद जो यहाँ पर इस सब सारे ऑप्शंस में आपको यहाँ जो लास्ट ऑप्शन है इसी ऑप्शंस को आपको क्लिक करने, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, जैसे आपको यहाँ पर क्लिक करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर जो है तरह तरह का जो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास बुक्स अवेलेबल हो जाएंगे, मटेरियल अवेलेबल हो जाएंगे हर एक लैंग्वेज में, चाहे मराठी हो, तमिल हो, उड़िया हो, कन्नड़ा हो, कन्नड़ हो, गुजराती हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी भाषा, यहाँ पर सारे का सारा भाषा जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का भाषा दिए हुए। तो आपको जाना है, यदि आप हिंदी और इंग्लिश में सिलेक्ट करते हैं तो हम लोग यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश वाले टैब पर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं वैसे ही आपको स्टडी मटेरियल यहाँ पर जो बुक्स है वो सारे का सारे बुक्स यहाँ पर अवेलेबल। ध्यान रखिए, यह जो बुक्स आपको किसी भी मार्केट में या किसी भी दुकान पर जो है ये सब बुक्स नहीं मिलते हैं, इसीलिए आप सभी को यहीं से ही मैनुअल आपको डाउनलोड करने होंगे, और डाउनलोड करके आप किसी भी साइबर कैफे में जाकर उस वहाँ से प्रिंट आउट करवा सकते हैं, या तो सिंपली आपके पास मोबाइल होंगे आप इस PDF को जो है अपने मोबाइल के थ्रू भी आप इसको रीड कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 501 से लेकर 505 तक का आप सभी ने डाउनलोड कर लिए। तो आज का हमारा टॉपिक से आगे का टॉपिक से कोर्स 506 से लेकर कोर्स नंबर 510 तक का डाउनलोड करने का यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं जो भी आपका सब्जेक्ट का नाम होते हैं यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, उसके बाद जो अगला जो है यहाँ पर चार ब्लॉक होते हैं, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा एंड चौथा ब्लॉक। यहाँ पर जो चार ब्लॉक दिए गए कोर्स नंबर 506 में चार ब्लॉक दिए गए, पहला, दूसरा एंड तीसरा एंड चौथा। उसी प्रकार से 507 में जो है आपको तीन ब्लॉक दिए गए, 508 में भी तीन ब्लॉक, 509 में भी आपका तीन ब्लॉक, और 510 में आपका सिर्फ और सिर्फ दो ब्लॉक ही आपको दिए गए। तो हम लोग यहाँ पर कोर्स नंबर 506 के बारे में बात करने वाले हैं। तो 506 से लेकर 510 के बारे में तो सिंपली आपको क्या करने है, इस बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना सुंदर सा PDF का एक लोगो बना हुआ, आप यहाँ पर क्लिक करें। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे वैसे आपको डाउनलोड करने का लिंक आ जाएंगे और सिंपली आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है डाउनलोड करते हैं और दिखाते हैं कि उसमें कंटेंट क्या क्या चीज़ दिया है।
हमने जो सारा का सारा जो है पीडीएफ जो है डाउनलोड कर चुके हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्लॉक वन है, फिर ब्लॉक टू है, ब्लॉक थ्री है, ब्लॉक फोर है, सारा का सारा जो है यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर 506 के लिए जो कोड है पूरा का पूरा जो है हम लोग डाउनलोड कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरा का पूरा जो है डिटेल्स में यहाँ पर दिए गए हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको 506 में कौन कौन सा किस किस प्रकार का सब्जेक्ट आपको पढ़ने। यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्लॉक का इंट्रोडक्शन दिए गए हैं कि क्या क्या चीज़ का ब्लॉक है, ये सब सारा जो है पूरा का पूरा यहाँ पर दिए गए हैं। यूनिट दिए गए हैं, यूनिट पहला यूनिट दूसरा यूनिट, मतलब दो यूनिट इस पर जो है कोर्स नंबर 506 में पहला ब्लॉक में आपका दो यूनिट दिए गए हैं। उसके बाद कोर्स नंबर 506 में दूसरा सेकेंड जो ब्लॉक का अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो है आपका यूनिटों की संख्या जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर 6 यूनिट यानी 3 से लेकर 6 यूनिट मतलब 4 यूनिट यहाँ पर जो दिए गए। इसी प्रकार से अगला ब्लॉक हर एक ब्लॉक में अलग अलग तरह तरह का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर दिए गए। आप सभी को क्या करने है, इन सबको जितने भी स्ट्रक्चर है यह जो सारे का सारा जो है यहाँ पर दिए गए हैं, हर स्टडी मटेरियल को आपको पढ़ने हैं और पढ़कर जो है आप सभी को ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को यहाँ पर सॉर्ट आउट करने। आप सभी जानते हैं कि यह जो एनआईएस का ऑफिशियल वेबसाइट पर यह सारे बुक्स को अवेलेबल किए गए हैं जो कि एक पीडीएफ के माध्यम से है, तो आप सभी यहाँ से जरूर डाउनलोड करें। होप आप सभी ने यहाँ से देखें कि आपको जो है किस प्रकार से आपको 506 से लेकर 510 तक का स्टडी मटेरियल यानी कि बुक्स को किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे। आप सभी आई होप आप सभी को समझ में आ गई होंगे। अब सारा का सारा जो है ये सब जितने भी सारे का सारे जो है आप जरूर डाउनलोड करके पहले से ही रख लें। इसके साथ ही साथ आपको जो है यदि आप यह जो है इंग्लिश वर्सन में है आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, यदि आप हिंदी वर्सन में डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हम आपको बताएंगे कि आपका हिंदी वर्जन में अपने अपने बुक्स को किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं किस प्रकार से। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हिंदी मीडियम चाहिए कि इंग्लिश मीडियम, आप किस प्रकार से बुक्स को डाउनलोड करना पसंद करते हैं, हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम की, कोई और लैंग्वेज, जो भी आपका लैंग्वेज होंगे, जो भी भाषा होंगे, नीचे हमें कमेंट करके बताएँ। इसके साथ साथ यह भी बताएं तो बताएं कि कितने लोगों ने 506 से लेकर 510 तक का पूरा बुक्स को डाउनलोड कर लिए। यदि आपने अभी तक जो 506 से 510 तक का डाउनलोड नहीं किया तो भी हमें कमेंट करके बताएं कि मैंने अभी तक नहीं की, अगर कर लिए हैं तो भी हमें कमेंट करके बताएं कि हाँ हमने जो है इन सारे बुक्स को डाउनलोड कर लिए। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहते हैं, तो आई होप आप सभी को यह वीडियो बहुत ही पसंद होंगे और बहुत ही आप इसको लाइक देंगे और बहुत ज़्यादा कमेंट करेंगे और दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करेंगे। तो फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।